सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पेपर लीक के जिस मुद्दे को यूपी के आम चुनाव में जोर शोर से उठाया था, उसका ऐसा असर हुआ कि बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और अब चुनाव के बाद योगी सरकार उसी भूल को दुरुस्त करने में जुट गई है ताकि अगले चुनाव में उसे हार न मिले। दरअसल यूपी में पेपर लीक करने वालों और सॉल्वर गैंग की शामत आने वाली है। अब योगी सरकार ने उनके परीक्षाओं का मजाक बनाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार जल्द नया कानून लेकर आने वाली है। इस कानून के तहत पेपर लीक कराने वालों और सॉल्वर गैंग पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। यही नहीं, अब सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थान को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। पेपर की छपाई के लिए अलग अलग एजेंसी चुनी जाएंगी। हर पाली में दो या उससे अधिक पेपर सेट होंगे। जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी, उन्हीं संस्थानों को केंद्र बनाया जाएगा। नए कानून लाने की जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। सॉल्वर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी फुल एक्शन मोड में हैं। वो लगातार हर उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जिस वजह से उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। शनिवार को उन्होंने लखनऊ में कैबिनेट बैठक के अलावा विभिन्न चयन आयोगों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को कानून बनाने के साथ रिक्त पदों को भरने में तेजी लाने के लिए कहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।